एक वीनी जपा कर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादुल सलोहलता कंटक भूषणा वर्धन मृध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं नवरात्रि के सातवें दिन माता कालरात्रि की कथा। नवरात्रि के व्रत में माता दुर्गा के नौ स्वरूपों का पूजन किया जाता है, जिसमें से माता का सातवां स्वरूप माता कालरात्रि का माना गया है। इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, माता कालरात्रि उनके सभी दुख और कष्ट को दूर कर देती हैं। माता के उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होता। इनकी कृपा से इनके भक्त सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। माता कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल को प्रदान करने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः माता कालरात्रि के भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता कालरात्रि का पूजन करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सुबह उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर वहाँ पर स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। माता को लाल वस्त्र अति प्रिय है, तो इस दिन लाल वस्त्र धारण करके उसके बाद माता का इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेश और निशा पूजन किया जाता है। जहाँ पर भी माता की भव्य मूर्तियाँ होती है वहाँ पर विशेष प्रकार से पूजन और अर्चन किया जाता है। इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए माता का जल से अभिषेक करना चाहिए, पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। इनके ऊपर शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। माता को अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला अर्पित करें। महिलाएं माता कालरात्रि को सिंदूर अर्पित करें और पुरुष माता कालरात्रि को रोली और चंदन चढ़ाएं। फिर माता को लाल पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के अनुसार अर्पित करें। विशेष प्रकार से माता को गुड़ से बने हुए मालपुए का भोग लगाएं। माता को श्रीफल आदि अर्पित करें। जितने भी प्रकार के ऋतु फल हों माता को अर्पित करने चाहिए। दूध से बने हुए वस्तु का माता को भोग लगानी चाहिए, इससे माता अति प्रसन्न होती है। और फिर माता को द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल, तांबू, लौंग, इलायची के साथ में माता को अर्पित करें। पुंगी फल जो कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है और तांबूल यानी कि पान पत्र लौंग इलायची के साथ माता को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद फिर दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ, सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ, श्री सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ या श्रवण करना चाहिए। माता के मंत्रों का जप करना चाहिए। इस दिन या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। तो आइए सुनते हैं माता कालरात्रि की कथा। तो बोलिए प्रेम से कालरात्रि माता की जय, नव दुर्गा देवी की जय, माता महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। माता कालरात्रि ने अनेक दुष्टों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की। माता कालरात्रि का पूजन रात्रि के सातवें दिन किया जाता है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री और धूमूर्णा देवी कालरात्रि के अन्य कई प्रसिद्ध नामों में है। माता कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्रित होती रहती है। माँ की नासिका से श्वास से प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती हैं। इनका वाहन गर्दभ है।
ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वरदान प्रदान करती है। दाहिनी तरफ की नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है और बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथों में खड़क यानी कि कटार माता धारण की हुई है। माता कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन ये माता सदैव ही शुभ फलों को प्रदान करने वाली है। माता कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है जो भी इनका सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन और आराधना करता है। माता कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से इनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकरी देवी है। इनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर ही माता का स्मरण, ध्यान, पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता कालरात्रि की जय। नव दुर्गा देवी की जय। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता की जय। नवरात्रि के दौरान जो भी जातक व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करना चाहिए। इन 9 दिनों तक नवरात्रि के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके धर्म का कार्य, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। गरीबों को भोजन करानी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कन्या कुमारी का पूजन करना चाहिए। इससे माता अति प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों को प्रदान करती है। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता उनके सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। तो बोलिए प्रेम से दुर्गा माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।